अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू विल बी डूइंग योर वर्क रेगुलरली। सासा कर रहे हैं ना, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर बुक ऑफ क्वांटिटेटिव रीजनिंग। ठीक है, ओपन योर बुक, पेज नंबर 4। टॉपिक है इसका एरिया। इसकी वर्किंग हम बुक पर ही करते हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो इसकी बुक जो है पेज नंबर 4 निकालें और रेडी करें। लेफ्ट साइड पर डेट लिखें विच इज़ 12th June 2020। ठीक है, सेंटर में होमवर्क लिखें और राइट साइड पर डे मेंशन करें विच इज़ फ्राइडे। राइट, ठीक है। टॉपिक हमारा एरिया है। सबसे पहले स्टडी द फ्लोर मैप given below and answer the question that follow। ये मैप हमें गिवन है, इसको अच्छी तरह से स्टडी करना है और फिर हमें गिवन जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर बताने हैं। ठीक है, इसमें देखें, ज़रा गौर से देखें, ड्राइंग रूम का क्या पोर्शन भी बताया हुआ है, बाथरूम है, हॉल, बेडरूम, किचन, दो बेडरूम हैं, बाथरूम भी 2 हैं। ठीक है, इन सब का एरिया जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। अभी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम का एरिया कितना है? ठीक है, तो एरिया क्या होता है? एरिया का फार्मूला आपको पता है ना, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ड्राइंग रूम का लेंथ और ब्रेथ कितनी है। ये देखें, ड्राइंग अगर आप मैप को गौर से देखें तो इसमें ड्राइंग रूम का जो पोर्शन है उसमें लेंथ जो है वो 16 फीट है और ब्रेथ जो है वो 3 फीट है। ठीक है, 3 फीट है। एरिया ऑफ द ड्राइंग रूम क्या होगा? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, 16 को मल्टीप्लाई करें 3 से, तो आंसर हमारा आ गया 48 स्क्वायर फीट। अब हम अपनी ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन 2 जो है वो हमारी करेक्ट है। मार्क करें ऑप्शन बी को। ठीक है, ये वर्किंग तो ये इसके ऊपर ही वर्क सारा दिया हुआ था कि कैसे सॉल्व करना है। ये नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए जो मैं रफ वर्क आपको बताऊंगी वो या तो ये पेज के नीचे जगह खाली है वहाँ पे कर लें, या फिर एक एक्स्ट्रा पेज लें उसके ऊपर वो सारा रफ वर्क करके बुक के साथ ही अटैच कर लें, ताकि जब आप एग्ज़ाम्स की प्रेपरेशन करें तो आपको याद आ जाए कि किस तरह से टीचर ने बताया था एरिया फाइंड आउट करना। ठीक है, और आंसर कैसे आए थे। ठीक है, नंबर 2 है, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ बाथरूम वन का देखें लोकेशन कौन सी है। बाथरूम 1 में जो है वो लेंथ है 4 फीट और ब्रेथ है 2 फीट, तो एरिया इसका, इसके लिए भी फार्मूला सेम है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो क्या है लेंथ? 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू आ गया 8 स्क्वायर फीट। ठीक है, जो कि हमारी ऑप्शन ए है। मार्क करें ऑप्शन ए के ऊपर। नंबर थ्री है लेंथ ऑफ किचन। लेंथ ऑफ किचन क्या है? 12 फीट और ब्रेथ ऑफ किचन क्या है? 4 फीट। एरिया ऑफ किचन क्या आ जाएगा? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, 12 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 48 स्क्वायर फीट। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारी करेक्ट है, उस पर मार्क कर लें। नंबर 4 है, फाइंड आउट द एरिया ऑफ बेडरूम टू का एरिया फाइंड आउट करना है। इसकी लेंथ देखें क्या है कि मैप में, इसकी लेंथ है 10 फीट और ब्रेथ कितनी है? 4 फीट। ठीक है, तो एरिया ऑफ बेडरूम क्या होगा? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, 10 को 4 से मल्टीप्लाई करें, आंसर आ गया हमारा 40 स्क्वायर फीट। नंबर फाइव में बाथरूम 2 का एरिया फाइंड आउट करना है हमने। लेंथ ऑफ बाथरूम 2 क्या है? 4 फीट और ब्रेथ जो है वो भी 4 फीट है, तो एरिया ऑफ बाथरूम 2 जो है वो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, 4 × 4 16 फुट हमारा आंसर आ गया। जो ऑप्शन ए हमारी है जो कि ट्रू है, मार्क करें क्वेश्चन नंबर 5 के लिए ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6,
क्वेश्चन नंबर सिक्स है, व्हाट इज द एरिया ऑफ बेडरूम वन। बेडरूम वन का एरिया फाइंड आउट करने के लिए इसके लेंथ चेक करते हैं। लेंथ इसकी है 8 फीट, ब्रेथ है 6 फीट, तो एरिया ऑफ बेडरूम वन क्या हो गया, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, 8 मल्टीप्लाई बाय 6 क्या आ गया, 48। तो ऑप्शन हमारे चेक करें कि ऑप्शंस में ऑप्शन सी जो है वो है 48 स्क्वेयर फीट। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर सेवन, ये थोड़ा सा आपको लगेगा कि इसका आंसर कैसे आया है, क्योंकि पूछा हुआ है व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ द हॉल, और अब हॉल जो है वो एल शेप है। ठीक है, तो ये मैंने एक पोर्शन को हॉल वन का नाम दे दिया और एक को दे दिया हॉल टू का। ठीक है, हॉल वन का पहले हम एरिया फाइंड आउट करेंगे, फिर हॉल टू का करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। राइट, लेंथ ऑफ हॉल वन क्या है, 7 फीट, और ब्रेथ है 4। तो ये हॉल वन का ये एरिया क्या आ जाएगा, 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 28 स्क्वेयर फीट। इसी तरह से हॉल टू का जो है लेंथ 6 फीट है और ब्रेथ है 1 फीट, तो इसका आंसर क्या आगे आ जाएगा, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 6 फीट। तो टोटल एरिया ऑफ हॉल क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ हॉल वन प्लस एरिया ऑफ हॉल टू, तो ये 28 स्क्वेयर फीट प्लस 6 स्क्वेयर फीट, तो ये दोनों को ये प्लस किया तो आंसर आ गया 34 स्क्वेयर फीट। ऑप्शन जरा ये चेक करें तो उसमें ऑप्शन बी जो है वो हमारे साथ टैली कर रही है। ठीक है, ऑप्शन बी को मार्क करें, टिक लगा दें उसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर है 8, हाउ मच लार्जर इज बाथरूम टू देन बाथरूम वन। बाथरूम टू जो है वो बाथरूम वन से कितना बड़ा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ बाथरूम टू को माइनस कर देंगे एरिया ऑफ बाथरूम वन से। ठीक है, और एरिया ऑफ बाथरूम टू क्या हमारे पास आया था, 16 स्क्वेयर फुट, उसमें से माइनस किया 8 स्क्वेयर फुट ये बाथरूम वन का एरिया, और दोनों को माइनस किया 16 में से 8, बाकी 8 स्क्वेयर फुट, जो कि हमारी ऑप्शन जो है वो ए बन रही है। तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए मार्क करें ऑप्शन ए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, स्टे होम, कीप स्टडिंग, अच्छे से स्टडी करते रहें घर पर बैठकर, और अच्छी तरह से ये रोज़ का काम रोज़ करें।